डिजाइन होता है। मैं आपको पहले फ्लेक्स दिखाता हूँ, ये देखो इस तरह के जो डिजाइन होंगे, ऐसे जो डिजाइन होंगे ये नहीं बनाने क्योंकि ये फ्लेक्स पे प्रिंट नहीं होंगे। ऐसे डिजाइन, ऐसे डिजाइन, ऐसे सादे सादे, ये ऐसा डिजाइन हो गया, ये डिजाइन हो गया जिसमें ज्यादा रंग रंगोलियां ना खेली गई हो, सताए मुर्तफा की साफ सुथरे इस तरीके करके प्लेन प्लेन से डिजाइन हो करेंगे फ्लेक्स पे। अब मॉडर्न स्टाइल क्या होता है, ये जो आप फ्लेक्सों की डिजाइन देख रहे हो ये ओल्ड स्टाइल की फ्लेक्स है। ये देखो ये मॉडर्न स्टाइल की फ्लेक्स है, देखो हैं इसमें भी रंग कम से कम ही, लेकिन जो ओल्ड, हाँ जो ओल्ड स्टाइल की फ्लेक्स होती है ना वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देती हैं, उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम की जाए। जो मॉडर्न स्टाइल है ना डिजाइनिंग का वो इंफॉर्मेशन से ज्यादा अट्रैक्टिवनेस को पसंद करता है, उसकी कोशिश होती है कि मालूमात चाहे वो कम करती है लेकिन अट्रैक्टिव होनी चाहिए। हाँ उसने एक बात बताई है मेंस फुटवेयर शूज, अब शूज ये ओल्ड स्टाइल की एक फ्लेक्स है, भरी हुई है मालूमात से, डिजाइन है ही नहीं। ये देखो ना प्यारा लग रहा है देखने में, काम की बात है ही नहीं। तो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान आते हैं, ठीक है, एक को एक पे फोकियत किसी भी किस्म की हासिल नहीं। तो ये दो स्टाइल हैं बैनर्स के, फ्लेक्स के। अच्छा एक होता है बैनर जिसका हमने प्रिंट नहीं लेना होता, फ्लेक्स का हमने प्रिंट लेना होता है। तो जो बैनर्स हैं वो हमेशा मॉडर्न स्टाइल में बनाते हैं, फ्लेक्स जो है वो मॉडर्न और ओल्ड दोनों में बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लेक्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करना बैनर में जो